तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का दोस्तों अंतिम सूची कैसे देख सकते हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे नया लिस्ट जारी कर दिया है। अगर दोस्तों उस लिस्ट में नाम है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 जून के बाद में प्रत्येक महीना दोस्तों 1,000 रुपया मिलने वाला है सभी के बैंक खाता में। क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का चलाया गया था कुछ दिन बाद में, पहले ही उसमें दोस्तों आवेदन कराया जा रहा था जिसमें दोस्तों 1,001 रुपया देने का वादा किया गया था सरकार की तरफ से। तो दोस्तों जिन्होंने भी आवेदन किया था उसका नया लिस्ट जारी कर दिया है यहाँ पे अंतिम लिस्ट यानी कि अंतिम सूची। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कैसे अपना नाम चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक बने रहना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले लाडली बहना योजना का मिल जाता है। इसलिए दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, देख भी सकते हो, सर्च वाला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों सर्च वाला ऑप्शन पे आपको लिख देना है लाडली बहना। जैसे यहाँ पे देखते हो लाडली बहना सर्च कर देना है आपको गूगल में। उसके बाद दोस्तों पहला ही वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ये था दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पूरा दोस्तों यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है A to Z पूरा डिटेल्स में इस वेबसाइट में आपको दिया गया है। आपको दोस्तों सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो अंतिम सूची, और यहाँ पे एक न्यू का भी ऑप्शन दे दिया है जैसे यहाँ पे देख सकते हो अंतिम सूची। आपको दोस्तों इसे अंतिम सूची बटन पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसा ही क्लिक करोगे तो इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई सभी एक मोबाइल नंबर डाल देना जो आपके पास है। जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास रजिस्टर है वही डाले, कोई सभी नंबर डाल देना यहाँ पे। उसको दोस्तों यही वाला कैप्चर कोड को यहाँ पे डाल देना, उसको OTP प्राप्त करें बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं सब कुछ भर दिया, उसको OTP प्राप्त करें बटन पे क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त करें बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है लिखा है। आपको दोस्तों ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे OTP को दर्ज करें बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे OTP भर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हो मैं OTP भर दिया, उसके बाद OTP सत्यापित करें और आगे बढ़े बोल रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसा ही क्लिक करोगे तो इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे यहाँ पे देख सकते हो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला का चयन करने दे रहा है, तो जिला पे क्लिक करना है और आपका जो भी जिला है यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दोस्तों यहाँ पे कर लेना है। आपका दोस्तों जिला को सेलेक्ट करने, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्थानीय निकाय सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको जो भी जनपद है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना है, तो आपका ग्राम पंचायत जो भी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ग्राम या तो वार्ड को सिलेक्ट करने दे रहा है, तो आपको सिलेक्ट कर देना है आपके ग्राम पे जितना भी वार्ड है उसको, तो आपका गांव को भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है अंतिम सूची देखें, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसा ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पूरा लिस्ट खुल जाएगा जैसे यहाँ पे देखते हो। सबसे पहले आवेदक क्रमांक खुल जाएगा जो कि मैं आधा हाइड कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आवेदिका का नाम, आपका दोस्तों इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको 10 जून के बाद में आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर आपका इंग्लिश में दिखेगा, यहाँ हिंदी में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मुखिया का नाम दिखेगा, मुखिया से संबंधित पत्नी या तो कुछ भी है। उसके बाद यहाँ पे उसका उम्र दिखेगा, वर्ग यानी कि कैटेगरी OBC जनरल ST SC, मैरिड है या तो अनमैरिड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसका कब पंजीयन दिनांक, कब पंजीयन हुआ था वो भी पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से पूरा यहाँ पे लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको दिखा देता हूँ 50 तक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 51-52 का चेक करना है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 पेज नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। दूसरे नंबर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ दोस्तों आपको 51-52 से यहाँ पे खुल जाएगा जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर भी पूरा 50 लोगों का नाम एक लिस्ट में है, 100 तक। उसके बाद दोस्तों 101 से 150 लोगों तक यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक कर देना। तीसरे नंबर पर दोस्तों जैसा ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगला लिस्ट खुल जाएगा जैसे यहाँ पे देखते हो। तो दोस्तों इस टाइप से आप इजी तरीके से अपना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पूरा नया लिस्ट में यहाँ पे नाम चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो दोस्तों आपको 10 जून से बाद में आपको
प्रत्येक महीना 1000 रुपया का राशि आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ आपको लिस्ट चेक करने बताना था। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर अब आपको मुख्यमंत्री लाडले बहना योजना से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।